अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईकैट पास पेपर 2017। ठीक है, पहले आपको मैं स्क्रीन पे पेपर दिखा देता हूँ। पेपर आपने अभी डाउनलोड कर लिया होगा, इस पेपर को आपने पहले सॉल्व कर लेना है, उसके बाद वीडियो को कंप्लीट देखना है। ये सिर्फ 30 एमसीक्यूज नहीं होंगे, बल्कि इसमें 30 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं। हर क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है एक रेगुलर मेथड से सॉल्व करवाऊँ उसको, उसके बाद उसको डायरेक्ट एक मेथड या कोई शॉर्टकट मेथड और एक और भी टेक्निक यूज़ की है, उसमें है कि हम खाली स्टेटमेंट को देख के ऑप्शंस को गेस कर सकें। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो आपको वो जो शॉर्टकट्स हैं वो कंप्लीट समझ नहीं आएंगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, एंड तक देखें तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईकैट पेपर 2017। क्वेश्चन वन, आसिम इज़ नाउ 3 times एज ओल्ड एज इरफान। After 10 years, Asim will be twice as old as Irfan. Asim's age at this time. Age question. Age question mostly हम back solve भी कर लेते हैं, लेकिन पहले आपको मैं एक proper method बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि direct answer इसका किस तरह find करते हैं। अब age question में आपने याद रखना है, जब भी आपने age suppose करनी है वो current age होगी, और बाद में जब time दोनों के लिए same रहेगा। मतलब for example अगर इरफान की age 10 साल बढ़ रही है तो आपने अली की एज भी बढ़ानी है। मतलब किसी एक मेंबर की अगर एज बढ़ रही है तो दूसरे मेंबर की एज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, क्योंकि टाइम सबके लिए सेम रहता है। तो ए फॉर आसिम यूज़ कर लेते हैं और आई फॉर इरफान, एक्स और वाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आसिम इज़ नाउ 3 times एज ओल्ड एज इरफान। सो आसिम इज़ 3 times एज ओल्ड एज इरफान। जिस क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट में कन्वर्ट है तो इसको हम इक्वल से चेंज कर देते हैं, ऑफ अगर हो या टाइम्स हो उसको हम मल्टीप्लाई लिखते हैं। ठीक है, ओके। आसिम इज 3 times इरफान आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद। अब ए और आई आसिम और इरफान की करंट एज है, तो इसमें भी 10 ऐड होगा और इसमें भी 10 ऐड हो जाएगा। आफ्टर 10 years, 10 साल दोनों की एज बढ़ गई। आसिम विल बी ट्वाइस, आसिम डबल हो गया। अब आसिम डबल हुआ है तो मुझे इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो मुझे इरफान को डबल करना पड़ेगा ना, ताकि उनकी एज बराबर हो जाए। मतलब सपोज अगर आसिम 20 का हो गया तो इरफान क्या होगा, 10 का होगा। तो 20 और 10 में बराबर करने के लिए मुझे इरफान को ही मल्टीप्लाई करना। तो इस स्टेप में आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं कि आप इरफान के साथ 2 यूज़ कर लें तो आपको आंसर गलत मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा बड़ा ईजीली। ठीक है, मतलब a3 ai आप इधर यूज़ करेंगे तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर आप कहते हैं तो 3i + 10 इज 2i + 20, तो यहाँ से आपको i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3i - 2i इज़ i एंड i इज़ 10। इरफान की एज 10 ईयर्स है तो हमें तो आसिम की एज चाहिए, तो 10 × 3 इज़ 30, जो कि सी ऑप्शन में है। ये तो है प्रॉपर वे। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना हो, वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट भी आपको वो आईक्यू ही है। मतलब फर्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी, आसिम इज 3 times एज इरफान्स एज, आसिम की एज और इरफान की एज का 3 times है, तो एक्चुअली वो 3 का मल्टीपल होगा। आप ऑप्शन में देखें 3 का मल्टीपल कौन सा है, 10 नहीं, 20 नहीं, 30, जी ये 3 का मल्टीपल है, और 40। तो इस तरह अगर तो 2 ऑप्शन होती तो फिर हमें कन्फ्यूजन होती, लेकिन चूंकि इधर एक ही ऑप्शन दी गई है इस वजह से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो एक ही आंसर हमें मिल जाएगा, 30 degree। नेक्स्ट है जी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन xdy + y - 1 dx। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बुक में एक ही टाइप डिस्कस की गई है, वो है सेपरेबल। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं, x और y को हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप इसको सेपरेट कर लें तो x इधर चला जाएगा और y -1 इधर आ जाएगा, तो dy ओवर
y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर x, इंटीग्रेट कर दें। जब इंटीग्रेट करेंगे तो y माइनस वन आता, ये तो हो जाएगा log ऑफ y माइनस वन और ये क्या आएगा माइनस एल एन एक्स। अब कॉन्स्टेंट यूज करना है, कॉन्स्टेंट अगर आप log यूज हो रहे हो तो हम कॉन्स्टेंट के साथ भी log यूज कर देते हैं, log c। तो यहाँ से log की प्रॉपर्टी यूज करें, log ऑफ y माइनस वन इज इक्वल टू log ऑफ c ओवर x, क्योंकि log a ओवर b क्या होता है, log a माइनस log b, जो माइनस वाला होता है वो फ्रैक्शन में आ जाता है। तो लॉग दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, जब लॉग दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दें, सी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई माइनस वन, ये देखें आपको बीटा ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट दी हुई है माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, एक्स इज लेस देन थ्री एंड वाई इज ग्रेटर देन वन। हमें पता है कि जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट्स पे होती है, तो पहले हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे कोई लेंथी नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें वो कोई दो वेरिएबल नहीं दिए गए, एक ही वेरिएबल दिया गया है। कंस्ट्रेंट तो तीन है लेकिन वो सिंगल सिंगल वेरिएबल के साथ है, तो बड़ा ईजीली है। पहले इसको अगर मैं माइनस एक्स को रिमूव करूँ तो दूसरी साइड पर ये इनक्वालिटी चेंज कर देगा, ये माइनस टू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपका वो सेम ही रहेगा, x इज़ लेस देन इक्वल टू थ्री एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू वन। एक्चुअली ये वन जब इसके साथ अटैच होगा तो ये एक पॉइंट आ जाएगा टू वन, और जब इसके साथ आएगा और ये क्या हो जाएगा थ्री वन। कॉर्नर पॉइंट में x और y की वैल्यूज होती हैं, तो इसका और इसका जो कॉमन पॉइंट है वो ये वाला है, और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो ये वाला है। तो इन दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है, लेकिन हमें आपको बतानी है मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए माइनस हंड्रेड हंड्रेड तो पॉइंट ही नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें माइनस टू वन और थ्री वन पे है, तो माइनस टू वन पॉसिबिलिटी है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों ऑप्शन में दिए गए, अगर एक ही ऑप्शन में होता मैं सिलेक्ट करता और नेक्स्ट मूव कर जाता। अब दो ऑप्शन में है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पॉइंट्स को आप उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर दें। जब उसमें पुट करेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू देगा जो पॉइंट, वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ज़रा फर्स्ट वाली पुट करते हैं, तो माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस टू ये हो जाएगा प्लस टू, टू प्लस थ्री इज फाइव। इस पॉइंट को पुट करने से हमें आंसर मिल रहा है फाइव, और अगर इसको यूज़ करें तो माइनस थ्री प्लस थ्री, इस वजह से हमें जीरो मिल रहा है। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ऑब्वियसली फाइव ही है। तो माइनस टू वन पॉइंट पर ये फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, वेक्टर्स यू एंड वी आर कोलिनियर इफ़, ये जो ए और बी यूज़ किया गया इसकी वैल्यू बतानी है, और वेक्टर्स क्या है कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। तो हम इसको क्या करेंगे, जस्ट कॉफिशेंट से जो आई जे के कॉफिशेंट उनको डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, कोलिनियर वैक्टर्स के लिए। तो यू को नोमिनेटर में रख सकते हैं और वी को भी नोमिनेटर में रख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जो अगर यू नोमिनेटर में है तो सारे कॉफिशेंट नोमिनेटर में ही आएंगे, अगर वी नोमिनेटर में है तो सारे कॉफिशेंट नोमिनेटर में ही होंगे। तो ये क्या आएगा, a ओवर वन इज इक्वल टू माइनस वन ओवर माइनस टू इज इक्वल टू वन ओवर b, ठीक है जी, सारे कॉफिशेंट्स को इक्वेट कर दिए। तो यहाँ से a की वैल्यू अब देखें, a किसके इक्वल आ रहा है, वन बाय टू के। अब ऑप्शन a वन बाय टू किस ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, b में, तो यही हमारे पास आंसर होगा। तो हमें बी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको दो ऑप्शन में मिले तो बी कैसे मिलेगा, बी को बी सी के इक्वल कर दें। तो यहाँ से अगर आप इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल टू, जो कि इस ऑप्शन में भी टू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैक्टर से ही है, वैक्टर्स यू एंड वी, सेम वैक्टर दिया गया जो कि लास्ट क्वेश्चन फोर में था, आर परपेंडिकुलर। तो वैक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट लें और जीरो पुट कर दें। अब मैं वो ए और वी नहीं लिखूंगा, जस्ट क्या करेंगे, ए इंटू आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे से और के को के के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट वन इज वन, माइनस वन इंटू माइनस टू इज प्लस टू, वन प्लस वन इंटू बी इज बी, और डॉट प्रोडक्ट को हमने क्या पुट कर दिया, जीरो। ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू, हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन एक ही है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन नहीं है, अगर दो इक्वेशन होती, दो अननोन्स हो, तो हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम बैक सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन में तो ए और बी की वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही हमारा
आंसर होगा। तो देखते हैं, अगर मैं ए को 3 और बी को 1 पुट कर दूं, 3 माइनस 1 जो के 2 आता है, लेकिन इधर ऑप्शन में -2 है, तो ये ऑप्शन तो हमारा रिमूव हो गया। इसी तरह ए 2 एंड बी -1, 2 माइनस 1 इज़ 1, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये भी रिमूव हो गया। ए इज़ 1, बी इज़ -3, ए इज़ 1, बी इज़ -3, तो 1 माइनस 3 इज़ -2 जी, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसको भी चेक कर लें, 1/2 + 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल से, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 4, 3 एंड रेडियस 2 इज गिवन बाय। सर्कल की इक्वेशन आपको याद होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो क्या होती है, x माइनस h होल स्क्वेयर प्लस y - k होल स्क्वेयर इज इक्वल टू r² या a² भी लिख सकते हैं आप। इसमें ये जो h और k हैं, ये हमारे सेंटर होते हैं। सेंटर क्या होता है, h एंड k, और ये वाला आपका रेडियस r है। वैसे मज़ीद अगर सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आई के निशान पे क्लिक करें, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें फर्द डिटेल में सेंटर के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। एच और के सेंटर है। अब इसी इक्वेशन हमें बतानी है जिसका सेंटर 4, 3 है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, इसका अगर सेंटर देखें तो इसका सेंटर आएगा -4, -3, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। इस वाले में देखें तो ये तो वैसे ही थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसका सेंटर, और ये वैसे भी सर्कल नहीं है। सर्कल के लिए x² और y² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए था, अगर 1 है तो वो भी 1 होना चाहिए, तो ये तो सर्कल की इक्वेशन ही नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। और सेम इसी तरह ये वाली चूँकि एलिप्स की इक्वेशन है, तो ये भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तीन ऑप्शन आपकी एक इन्फॉर्मेशन से ही रिमूव हो गई, वो कौन सी है जी, सेंटर हमारे पास 4, 3, इन तीनों में किसी का नहीं है, इसमें हमें वो -4, -3 मिल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन जो बची है तो वही हमारा सेंटर होगा। वैसे ये जनरल जो फॉर्म है, जनरल इक्वेशन में सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, वो -g और -f, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो जी जो होता है, -g जो होता है एक्चुअली एक्स का कोफिशियंट होता है, और जो एफ होता है वो वाई का कोफिशियंट होता है। तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बल्कि लिख देता हूँ आपको, जनरल वाली जो है वो होती है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये -g और -f इस केस में क्या होंगे, सेंटर होंगे। और दूसरा सेंटर का तरीका अगर आपका अभी मैंने बताया, वो आई के निशान में भी आपको मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, वो है क्या, मैं डायरेक्ट आपको करवा देता हूँ। जस्ट आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें, आपको एक्स का कंपोनेंट मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये क्या आ जाएगा, 2x - 8, और उसको 0 पुट कर दें। एक्स का डेरिवेटिव लेना, वाई से डेरिवेटिव नहीं लेना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। देखिए क्या हमारा एक्स का कंपोनेंट 4 ही है, और वैसे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बची हुई है, तो यही आंसर, जैसे हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये वाकई ठीक है। अच्छा, वाई एक्स कंपोनेंट 4 आ गया, वाई के लिए क्या करना है, वाई से डेरिवेटिव लेना। तो जब वाई से डेरिवेटिव लेंगे ये क्या हो जाएगा, 2y - 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3, जो कि इसी ऑप्शन में है, ठीक है जी। नेक्स्ट, द इक्वेजन x² प्लस दिस रिप्रेजेंट्स, अब ये इक्वेजन आपको याद हो तो ये प्लस वाले x² / a² प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1, एक्चुअली ये क्या होती है, एलिप्स की इक्वेशन है। अ सर्कल विद सेंटर 0, 1, ये सर्कल तो है ही नहीं, पहले तो बात ये है, ये ऑप्शन हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जो हम यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो हम यूज़ करते जाएं, जो जो ऑप्शन नहीं हो सकते उसको रिमूव कर दें, ठीक है। जिस तरह ये इस वाले में भी किया है और इस वाले में भी वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। इसने पैराबोला लिख दिया, तो पैराबोला ये तो है ही, एलिप्स है तो पैराबोला तो ये है ही नहीं, क्योंकि x² और y² टर्म्स आ रही है ना, तो ये पैराबोला नहीं है। और डी ऑप्शन में वैसे ही उसने हाइपरबोला कह दिया, तो हाइपरबोला भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गई हमारे पास, सी, जो कि क्या है, एलिप्स है। एलिप्स की जनरल फॉर्म में आपको इधर लिख देता हूँ, ये इधर देखिएगा ज़रा, जनरल फॉर्म जो एलिप्स की है वो क्या है जी, x - h स्टैंडर्ड फॉर्म होल स्क्वायर ओवर a² प्लस y - k होल स्क्वायर ओवर b² इज इक्वल टू 1। इसमें ये जो h और k हैं, ये क्या हैं, सेंटर हैं। तो आप देखो सेंटर इसमें इधर 0 है और इधर क्या है, 1 है, तो 0, 1 इसका सेंटर दिया हुआ है। और जो माइनर एक्सिस की लेंथ है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है,
ए और बी में जो भी ग्रेटर वाली वैल्यू होती है वो मेजर एक्सिस होता है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो माइनर एक्सिस होता है। और इस केस में एक्स स्क्वायर के नीचे छोटी वाली वैल्यू है 1, जो कि माइनर एक्सिस है, तो उसकी लेंथ भी क्या है आपको 1 दी गई है। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। वैसे हम वो ऑप्शन रिमूव करने से हमें आइडिया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जो है वो इंटीग्रल से है, वाई इज इक्वल टू दिस, देन वाई इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 माइनस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, उसके लिए हमें हाफ एंगल फार्मूला या डबल एंगल फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। तो इसको अभी हम उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। यह है जी 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 माइनस 2, ये वाला एक्सप्रेशन है। पहले आपको मैं प्रॉपर सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट है डायरेक्ट ही हम बता सकते हैं, ठीक है, वो एंड में आपको बताऊंगा। पहले आप कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 माइनस 1, 2 कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लें। आइडेंटिटी आपको याद होगी डबल एंगल कॉस 2 अल्फा की, साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा। कॉस 2 अल्फा की क्या होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा का जब अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। जो भी इधर एंगल होता है उसका इधर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इधर भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और एंगल क्या आएगा, कॉस ऑफ इस एंगल का डबल करना है आपको, तो डबल में क्या आएगा 2x प्लस 2 पाई बाय 3, और ये ऐसे बताऊँगा 2x प्लस 2 पाई बाय 3। देखें एंगल को डबल किया है, x का 2x हो गया और पाई बाय 3 का 2 पाई बाय 3 हो गया। इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रल 2 कॉस ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाय 3 डी ऑफ x। ये 2 है, इसको हम इस dx के साथ अटैच कर देते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ही है ना, तो वो नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। अब देखें क्या एंगल का डिफरेंशियल साथ मौजूद है, कॉस ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाय 3, उसका डेरिवेटिव 2x का डिफरेंशियल क्या होता है जी 2dx, तो वो साथ मौजूद है, तो हमें वो मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाय 3, और एंड में कौन, वो डिवाइड नहीं करना, डिवाइड उस केस में करते हैं जब डिफरेंशियल कंप्लीट ना हो, तो इधर डिफरेंशियल पहले से ही कंप्लीट है। तो आंसर आपको देखें साइन 2x, ये जो कि सी ऑप्शन में है। अब गेस करते हैं कि डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, मतलब इंटीग्रेशन किए बगैर अगर आप गेस करोगे, साइन कॉस टेन सीकेंड को सीकेंड, सब की इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको याद हैं, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, ठीक है, वो सारे याद है आपको। लेकिन साइन स्क्वेयर की जब इंटीग्रेशन आती है तो उसके लिए हमें हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। जब हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, जो साइन स्क्वेयर होता है उसकी डिग्री कम हो जाती है, डिग्री 2 से 1 में आ जाती है अगर फार्मूले को ऑब्जर्व करें। इसी तरह कॉस स्क्वेयर को भी जब सॉल्व करेंगे तो उसकी डिग्री रिड्यूस होकर 1 में आ जाती है। तो आप ऑप्शन देखें, जब इसको हम डबल एंगल या हाफ एंगल यूज़ करेंगे, इस वाले केस में भी वही हो रही है, डिग्री रिड्यूस हो रही है। तो ये कॉस स्क्वेयर का, कॉस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर तो ऑप्शन नहीं, आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें हमने हाफ एंगल या डबल एंगल यूज़ करना होता है। तो देखिए ए ऑप्शन आप में कॉस स्क्वेयर है तो ये नहीं हो सकता, बी ऑप्शन साइन स्क्वेयर है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए की ऑप्शन पॉसिबल है, साइन ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाय 3, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये दे दी गई है कि उसने नन ऑफ दी अबव कह दिया गया। अगर नन की ऑप्शन ना होती और इधर कुछ साइन स्क्वेयर या टाइम स्क्वेयर लिखा होता तो फिर ये कन्फर्म गारंटी थी हमारा आंसर यही है, लेकिन अभी चूंकि नन ऑफ दीज है इसलिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि उसने क्वेश्चन में कुछ माइनस या प्लस का चेंज किया हो और आप इसी आंसर को सिलेक्ट करके गलत कर जाओ। तो नन ऑफ दी अबव हो, नन की ऑप्शन आ जाए तो हमें प्रॉपर कंप्लीट सारी ऑप्शंस चेक करनी पड़ती हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स डिस, ठीक है, देयर फॉर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 9 पाई बाय 10, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, एवरेज वैल्यू कह लें, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह लें। आपको याद होगा एवरेज वैल्यू जो हमें कहता है स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन होती है, और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होती है वो आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या इंस्टेंटेनियस चेंज बता रहा होता है, वही एक्चुअली चेंज बता रहे होते हैं। तो इसको इग्नोर करें, अगर मैं इसी को देखूँ कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है आपको,
ठीक है, एक्चुअली वो बाई डेफिनेशन एफ ओफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ओफ एक्स नॉट डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ये आपकी एवरेज वैल्यू होती है, और जब इसके साथ लिमिट यूज़ कर दी जाती है तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिल जाता है आपको, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। हमें जस्ट बतानी है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब इसी को भी वही टेक्निक यूज़ करते हैं जिस तरह ऑप्शन डिलीट जब करते हैं, वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे। साइन 9 पाई बाय 10 की वैल्यू एक्चुअली 10 पाई बाय 10 18 पाई बाय 10 18 हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 9 वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू 9 पाई बाय, क्या साइन थीटा कभी थीटा के इक्वल हो सकता है? वो जीरो के इक्वल, साइन जीरो अगर हो तो जीरो, इसके अलावा कभी भी वो वैल्यू सेम नहीं देता, जीरो वाले या पाई वाले में होता है। तो ये तो आंसर आपका कभी हो ही नहीं सकता 9, क्योंकि जो एंगल है वही आंसर नहीं आपको देगा साइन, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं जीरो के अलावा। और साइन आपका देखें नेगेटिव आ रहा है, वैल्यू क्या आपकी नेगेटिव हो सकती है साइन की? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो क्वाड्रेंट बताएगा। अगर क्वाड्रेंट किस तरह का, मतलब अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू नेगेटिव फिर पॉजिटिव ही आएगी, थर्ड और फोर्थ में ये नेगेटिव देता है। अब ये 18 इंटू 9 180 से लेस एंगल है, तो 180 से लेस एंगल है तो ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में, तो सेकंड में आंसर क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, थर्ड और फोर्थ में होता तो नेगेटिव होती, और ज़ीरो तो वैल्यू ज़ीरो पे ही होती है या पाए पे होती है, तो ना ही ये पाए है ना ही ये ज़ीरो है। देखें एक ही ऑप्शन बच गई है, आप एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन आप अभी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि साइन 9 पाई बाय 10 की वैल्यू और पाई बाय पाई की वैल्यू आपने 3.142 पुट करनी है, 180 नहीं यूज़ करना है, ठीक है? लेकिन इधर एंगल में 180 ही यूज़ करना है, जो सिंपल वैल्यू होती है उसमें रेडियंस यूज़ करते हैं, और रेडियन में पाई की वैल्यू 3.142 और एंगल में 180, तो कैलकुलेटर से आप चेक कर लें, आपको यही अप्रोक्सीमेट इसी के इक्वल आपको मिलेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये आगे जिसमें एक एंगल 90 का होगा, हाइपोटेन्यूस हमें दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। टू ऑब्टेन अ ट्रायंगल विद मैक्सिमम एरिया द अदर टू साइड्स मस्ट बी, अब ये तो एंगल एक 90 है, अब दूसरे राइट ट्रायंगल, ठीक है 90 है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? 30-60 की हो सकती है, 45-45 की हो सकती है, और इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, लेकिन उन सब पॉसिबिलिटीज़ में जो मैक्सिमम एरिया आपको मिलेगा वो 45-45-90 में ही होगा। आप कोई भी एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं, सेम एंगल डिफरेंट कर दें साइड्स, ठीक है आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल क्या होगा? 45 है। तो जिस ट्राइंगल किस एंगल, जिस ट्राइंगल के एंगल 45-45-90 हों, क्या होंगे? 45-45-90, जिस एंगल के, जिस ट्राइंगल के एंगल ये वाले हों, उस साइड्स की रेशियो क्या होती है? 1:1√2, ठीक है ये आपको याद रखनी है। अगर ये याद होगी तो हम बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व कर लिया करेंगे। इसी तरह 30-60-90 की भी रेशियो है तो वो याद होनी चाहिए आपको। आप देखें 90 के ऑपोजिट क्या है? 5 हमें जो गिवन है, लेकिन जो हमारी रेशियो है जो एक्चुअली होती है उसमें 90 के ऑपोजिट क्या है? स्क्वेयर रूट 2। इसको किसी तरीके से 5 में कन्वर्ट कर दें, तो चूंकि ये रेशोज़ हैं इसलिए जो भी आपने ऑपरेशन यूज़ करना है वो सबके साथ करना है। तो क्या करेंगे, इसको 5/√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 5/√2। जब 5/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला सिंपल 5 आ जाएगा, ये 5/√2 बन जाएगा, और ये 5/√2 बन जाएगा, ऐसे ही है 5/√2 एंड 5/√2। तो ये देखिए दोनों साइड्स क्या होंगी? 5/√2। तो 45-45-90 में मैक्सिमम एरिया मिलेगा, और मैक्सिमम एरिया के लिए जो साइड्स हमें मिल रही हैं दोनों साइड्स जो हैं बाकी 5/√2 है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स देन dy बाय dx इज, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव लेना है और कुछ भी नहीं करना। आपको पता है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव इटसेल्फ ही होता है। तो y इज इक्वल टू ई पावर सॉरी डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स। अब जो नोमिनेटर में है उसका अगेन डेरिवेटिव आपको चाहिए, ठीक है? तो नोमिनेटर में क्या है? साइन एक्स कॉज एक्स, उस पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स, और ये कॉज कॉज मिलकर क्या हो जाएगा? कॉज स्क्वायर एक्स, दरमियान में प्लस आता है,
अब साइन एक्स एज इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स से मिलके क्या हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स, और कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इसके इक्वल होते हैं। अभी वो फॉर्मूला उधर हमने लास्ट जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है उसमें यूज़ किया था, कॉस ऑफ 2x, तो ई पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस 2x जो कि बीटा ऑप्शन, जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी। नेक्स्ट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज हैज, इस फंक्शन का बताना है जी इन्फ्लेक्शन है एट वन पे, इन्फ्लेक्शन जीरो पे है, रिलेटिव मिनिमम है या रिलेटिव मिनिमम जीरो पे है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे इसके दो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, थ्री कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस एक्स, फाइव का वाला जीरो। इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये क्या होगा टू एक्स माइनस वन। अब ये किस पॉइंट पे देखें जीरो हो रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो हम इसको जीरो पुट कर लेते हैं, तो टू एक्स माइनस वन को जब जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन बाय टू। तो इन्फ्लेक्शन तो इसका वन बाय टू है, लेकिन ऑप्शन में इसने कहा हुआ है कि इन्फ्लेक्शन वन पे है, तो ना ही ये ऑप्शन है ना ही ये ऑप्शन है। अब देखते हैं रिलेटिव मिनिमम या मैक्सिमम, रिलेटिव मिनिमम या मैक्सिमम हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही पता चलता है, वो क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव में हमने क्रिटिकल पॉइंट यूज़ करने होते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट आपको कैसे मिलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करने से। अब इस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, ये देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, तो इसको जीरो जब पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज जीरो, तो एक्स कॉमन एक्स माइनस वन इज जीरो, यहाँ से दो वैल्यूज मिल गई जीरो एंड वन, जो कि ऑप्शन दोनों में है जीरो भी है वन पे भी है, तो हमें चेक करना है कि इस पे मिनिमम है, और बल्कि मिनिमम ही बतानी है। तो क्रिटिकल पॉइंट को आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को जब सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे अगर तो आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम। और इन केस जब आप पुट करेंगे किस क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में और नेगेटिव आंसर मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो ये दोनों पॉइंट हम सेकंड डेरिवेटिव में यूज़ करते हैं, सो एफ डबल डैश ऑफ जीरो इज, तो ये नेगेटिव माइनस वन होएगा, एंड एफ डबल डैश जब वन रिप्लेस करेंगे तो ये क्या होएगा टू माइनस वन इज वन। वो नेगेटिव है और पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैं लिख देता हूँ इधर, नेगेटिव के लिए रिलेटिव मैक्सिमम होता है और पॉजिटिव के लिए रिलेटिव मिनिमम होता है। तो मिनिमम किस पॉइंट पे है वन पे, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ये देखिए बीटा ऑप्शन में रिलेटिव मिनिमम एट एक्स इक्वल टू वन। नेक्स्ट द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड जीरो, इन दोनों का इंटरसेक्शन एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है, तो वो कौन सी लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है लेकिन इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। ठीक है, तो पहले ये वाली इंफॉर्मेशन यूज कर लेते हैं पैरेलल वाली। अब हमें पता है जो लाइन पैरेलल होती है उनकी स्लोप क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस लाइन की स्लोप क्या मिल रही है आपको, y इज इक्वल टू x, स्लोप हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जो x का कोफिशेंट होता है इस वाले केस में वो स्लोप होती है। तो स्लोप इधर 1 है। अब ऑप्शंस में देखते हैं किस किस ऑप्शन की स्लोप 1 है। फर्स्ट ऑप्शन की स्लोप 1 है, पॉसिबल है। नेक्स्ट में स्लोप तो आपको माइनस एक्स दे दी गई है, तो स्लोप माइनस वन है ना, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी वन है, ये भी पॉसिबल है, तो और ये भी पॉसिबल नहीं है। देखें एक इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ की, दो ऑप्शन हमारी रिमूव हो गई। अब इन दोनों का पॉइंट, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि क्या है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, लेकिन इसके पैरेलल लाइन तो हमने ढूंढ ली है, लेकिन अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, जब एक्स को जीरो पुट करेंगे इस वाले पॉइंट में, जब एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, वाई इज वन, तो पॉइंट क्या आएगा जीरो वन। ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखें किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको या इसको। अगर मैं फर्स्ट को चेक करता हूँ एक्स जीरो, तो वाई की वैल्यू हमारी वन आनी चाहिए, लेकिन एक्स को जीरो पुट करने से वाई तो हमें क्या मिल रहा है माइनस वन, तो ये भी ऑप्शन हमारी नहीं है, फिर एक ही बच गई है, उसको भी चेक कर लें। एक्स को जीरो पुट करें वाई वन मिल रहा है ना, तो फिर यही हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लॉग 327 माइनस लॉग 525। लास्ट 2019 पेपर के में मैंने बताया था कि ईकेट में लॉग का जो है क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल पेपर में आता है। ठीक है, लास्ट ईयर दो क्वेश्चन आए थे, तो अब देखें ज़रा इसमें इसको सॉल्व किस तरह करना है। ये भी लॉग है, लॉग 327 एंड लॉग 525। एक प्रॉपर्टी आपको बल्कि लॉग की डेफिनेशन से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब सपोज
लॉग ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई हो जाता है, लॉग से एक्सपोनेंशियल बन जाता है और इस एक्सपोनेंशियल में लॉग में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये है बाई डेफिनेशन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ लॉग 327, तो इसको हम सपोज एक्स कर लेते हैं, ये हो जाएगा 27 इज इक्वल टू एक्स पावर 3, तो 27 किसका क्यूब होता है, ये भी 3 का क्यूब है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। तो एक तो ये वे है कि आप सिंप्लीफिकेशन करें, इसी तरह जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। दूसरा, आप इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, किस तरह, आप देखिए 3 का कौन सी पावर लेंगे 27 बन जाए 3, तो इसका आंसर क्या होएगा 3। इसी तरह 5 की कौन सी पावर लेंगे 25 बन जाए 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, तो 3 - 2 = 1, जो कि सी ऑप्शन में है। हाँ, इस तरह भी हो सकता है कि मतलब वो पावर ना मिले, मतलब फॉर एग्जांपल आपको ऐसा है 25 नीचे आ जाए और 5 ऊपर आ जाए। अब देखिए 25 की कोई पावर लेने से 5 नहीं बनता, लेकिन बनता है। 25 की अगर पावर मैं 1/2 लूँ तो क्या आंसर आएगा, 5 ही आएगा ना, तो इसका आंसर क्या होएगा 1/2। तो ये लॉग की एक डायरेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट, अ पार्टिकल्स ट्रैजेक्टरी इन स्पेस इज गिवन बाय एक्स वाई एंड जी, द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द पॉइंट, पॉइंट बताना है जिस पे पार्टिकल रेस्ट पे होगा। अब फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, जब पार्टिकल रेस्ट में होता है तो एक्चुअली वेलोसिटी उसकी क्या होती है, 0 होती है। अब वेलोसिटी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का अगर हम वेक्टर ले लें तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये समझ लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही आपको गिवन है, कंपोनेंट की फॉर्म में दिए गए हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेके 0 पुट करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे जिस पॉइंट पे फंक्शन वेलोसिटी 0 होगी या जो बॉडी है वो रेस्ट में होगी। चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dx ओवर dt, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके 0 पुट कर रहा हूँ। सो 8 - 2 - 4t इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट t की वैल्यू यहाँ से 2 मिल गई। इसी तरह इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, 12 - 3t² = 0, तो यहाँ से आपको t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12/3 = 4, तो t की वैल्यू ±2 आएगी, और टाइम का भी नेगेटिव, t टाइम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है तो t टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। इसी तरह z इज इक्वल टू 4 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dz/dt = 0। अब टाइम आपके पास यहाँ से 2 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल रहा है और यहाँ से 0 मिल रहा है, ठीक है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें फंक्शन में, dx ओवर dt को 0 पुट करना है, वो किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, तो इस 2 को इधर पुट कर दें, ये वाले जो फंक्शन दिए गए हैं ये भी 2 है, ये वाला 0 है, ठीक है, तो t को 2 पुट कर दें जस्ट सिंपल, क्योंकि सेम पॉइंट आ रहा है। जब t को 2 रिप्लेस करेंगे तो ये देखें x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x सिर्फ x ही अभी पॉइंट करना है, 8 - 2 = 16 - 4 = 8 - 8 = 8। नेक्स्ट इधर भी 2 पुट करें, 24 - 8 = 16, और इधर भी z को 2 पुट कर दें, जब z को t को 2 पुट कर दें, जब t को 2 पुट करें तो t है ही नहीं, तो z एज इट इज रहेगा, 8, 16 और 4, जो कि आपको c ऑप्शन में मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x देन dy/dx, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, a की पावर x का डेरिवेटिव आपको याद होगा, a की पावर x किसकी इक्वल होता है, a की पावर डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इज a की पावर x ln a, अब a की जगह आपको 2 दिया गया है तो 2 की पावर x ln 2, जो कि बीटा ऑप्शन में है, तो इसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। 17, इफ f ऑफ x इज 3x - 1 एंड g ऑफ x इज x - 1, देन g ऑफ f इनवर्स x, कंपोजिशन बताई गई है। अब g पहले आपको f इनवर्स फाइंड करना है, फिर उसकी g के साथ कंपोजिशन करनी है, तो एक्चुअली हमें फाइंड करना है ये वाला g ऑफ f इनवर्स x, तो फर्स्ट हमें f इनवर्स x फाइंड करना पड़ेगा। अब f इनवर्स x है क्या, f इनवर्स इसमें आप इसको y पुट करते हैं, y के बाद x को सब्जेक्ट बनाते हैं, x को सब्जेक्ट बनाने के बाद x और y को इंटरचेंज कर देते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, हमारे पास जो f इनवर्स x मिलेगा हमें वो आएगा x - 1/3, ठीक है, ये हो गया g ऑफ x - 1/3, इसको g में रिप्लेस कर दें, g आपके पास x - 1 है तो x - 1/3 - 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं बन रहा, ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि ईगेट में ये पेपर में ऑप्शन गलत दी गई है, क्योंकि जी ऑफ एफ इनवर्स को पुट करने से कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा, आप चेक कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके भी। वैसे जो ईगेट में आंसर की मिली थी उसमें डी ऑप्शन लगाया गया था, जो कि
इस वाले केस से तो नहीं बन रहा, ठीक है। पॉसिबल है आपको ये क्वेश्चन फंक्शन गलत हो सकते हैं या पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन में कोई मिस्टेक प्लस माइनस की कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द पीरियड ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू 3 sin t/8 इज पीरियड। पीरियड फाइंड करने का पहले एक्चुअल वे है क्या वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट। तो नॉर्मल हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे पीरियड याद हैं, साइन कॉस सीकेंड और कोसेकेंड का पीरियड 2π होता है स्टैंडर्ड पीरियड, और टेन और कॉट का पीरियड क्या होता है 5। तो जो उसका स्टैंडर्ड पीरियड है वो जिस एंगल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसको ऐड करने से उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आती। तो ये क्या होएगा t/8 + 2π ऐड कर दिया, उसके बाद क्या करना है इस जो भी आपका वेरिएबल है इधर t यूज़ हो रहा है, अगर x है तो x, उसको कोफिशियंट 1 बनाना है आपको, जो भी उसके साथ है वो कॉमन ले ले। तो ये क्या हो जाएगा 3 sin 1/8 कॉमन आ जाएगा, तो 1/8 बाकी क्या बचेगा टी प्लस, अब इधर 8 नहीं है, जब इधर 8 नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 16π। ये करने के बाद ये जो एंड में टी के साथ जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है ये हमारा क्या हो जाता है पीरियड होता है। तो इस केस में पीरियड क्या है 16π, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन ना करें, डायरेक्ट माइंड में ही कर लें, ये जो स्टेप करना है इसको माइंड में ही करें। किस तरह, कोफिशेंट जो साइन का कोफिशेंट होगा वो कभी भी पीरियड में रोल प्ले नहीं करेगा, वो कुछ भी आ जाए उसको इग्नोर करें आप। हमेशा जो एंगल के साथ जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, एंगल के साथ जो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है सिर्फ वो रोल प्ले करेगा। तो इसके साथ हमें पता है साइन का पीरियड कितना होता है 2π, वो लिख लें। अब इसके एंगल में 1/8 मल्टीप्लाई हो रहा है या 8 डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो उस एंगल के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह वो इक्वल में लिखते हैं ना, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ डिवाइड कर दें, अगर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो इधर भी वही काम करें 8 डिवाइड हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करवा दें इससे बस, तो 8 × 2 = 16π आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अ वायर ऑफ लेंथ एल कैन बी शेप्ड इनटू अ सर्कल और अ स्क्वायर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सर्कल। रेशियो बतानी है एरिया की स्क्वायर की और सर्कल की, और दोनों का पेरीमीटर सेम है, क्योंकि वायर ऑफ लेंथ एल कैन बी शेप्ड इन अ सर्कल, और ए की वायर लेंथ एल की उसका हम स्क्वायर भी बना सकते हैं और उसका सर्कल भी बना सकते हैं। तो डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये स्क्वायर है और ये आपका क्या है सर्कल है, रेशो बनानी है स्क्वायर टू सर्कल, ठीक है। तो स्क्वायर मैंने इसलिए पहले बनाया और सर्कल बाद में बनाया, और अगर सर्कल टू स्क्वायर होता तो पहले मैं सर्कल बनाता, फिर ये समझाने के लिए जैसे डायग्राम बनाइए। अच्छा, वायर अगर लेंथ एल की है तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, तो एक्चुअली पेरीमीटर तो आपको एल मिल रहा है, लेकिन उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी L/4, क्योंकि 4 साइड है ना, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड होता है सर्कल में, तो L/4। इसी तरह तो इसका जो एरिया क्या मिल जाएगा आपको L/4 × L/4 विच इज L²/16, ये किसका स्क्वेयर का एरिया। इस वाले केस में हमें पेरीमीटर अगेन गिवन है, पेरीमीटर कितना है L, क्योंकि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वही पेरीमीटर शो कर रहा है, और सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी दी गई है L। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है C = 2πr रेडियस, तो सर्कल L दिया हुआ है तो 2πr, यहाँ से हमें चाहिए इसका एरिया, तो इसका रेडियस क्या आएगा L/2π, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², तो πL²/4π², तो ये मिल गया आपके पास L²/4π। ये हमें एरिया फाइंड कर लिया स्क्वायर का, और ये एरिया फाइंड कर लिया सर्कल का, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो इसकी हमें बनानी है रेशो, किसकी, स्क्वायर टू सर्कल। तो स्क्वायर की ये है L²/16 रेशो L²/4π, L² दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं आप जिस तरह आपको इजी लगे। तो ये हो जाएगा 1/16 रेशो 1/4π, तो ये हो जाएगा 4π/16, तो ये π/4 आ गया, π/4 मीन π/4 जो के अल्फा ऑप्शन में है, ठीक है। स्टार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि मतलब नॉर्मली आप सोच रहे होते हैं कि जब हम टीचर के सामने पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बड़े सिंपल आपको लग रहे हैं और आंसर भी मिल रहे हैं, लेकिन जब खुद एग्जाम में बैठते हैं तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते। मतलब क्लासरूम में आपको क्वेश्चन हर चीज़ समझ आ रही है, बड़ा ईजी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप घर जाते हैं आपसे सॉल्व नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, स्टेटमेंट को प्रॉपर रीड करें। अगर स्टेटमेंट आपको समझ आ रही है तो
98% 99% चांसेस है आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर स्टेटमेंट समझ आ रही है तो। अगर स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही तो फिर मुश्किल नहीं है। टीचर क्या करते हैं, आपको स्टेटमेंट समझा देते हैं पहले। जब स्टेटमेंट समझा देते हैं पहले तो फिर आपको वो चीज़ क्लियर हो जाती है और सोल्यूशन भी समझ आ जाता है। तो इस वजह से आप स्टेटमेंट नहीं समझते, स्टेटमेंट समझे बगैर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि आपको लगता है मुश्किल और सेलेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू कॉज एक्स प्लस पाई एंड रेंज ऑफ एक्स इज टू पाई टू माइनस पाई देन एक्स इज इक्वल, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। कुछ मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, साइन एक्स को इधर लिख देते हैं, इधर जगह है हमारे पास, इधर देखिएगा ज़रा। साइन अल्फा कॉस बीटा की इक्वल होगा, टेंजेंट अल्फा कॉट बीटा की इक्वल होगा, सीकेंट अल्फा कोसीकेंट बीटा की इक्वल होगा इफ़ अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। मतलब अगर अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री होगा तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इधर भी हम वही रूल यूज़ करते हैं, दोनों सेम है तो इनको इनका एंगल का सम क्या होगा, पाई बाय टू की इक्वल। सो एक्स प्लस पाई बाय टू प्लस एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो ये हो गया 2x, पाई बाय टू कैंसिल हो गया, पाई बाय टू कैंसिल हो जाएगा और ये पाई उधर जाके माइनस पाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई बाय टू। अब माइनस पाई बाय टू ऑप्शन में नहीं है, माइनस पाई बाय टू ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो माइनस पाई बाय टू आपको पता है किसके इक्वल होता है, माइनस पाई बाय टू को जब ऐड करेंगे तो एक्चुअली वो थ्री पाई बाय टू के इक्वल होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो थ्री पाई बाय टू आपको ऑप्शन डेल्टा में दिया गया है। नेक्स्ट है जी, लॉग टू एट एक्स इज इक्वल टू 18 देन एक्स इज इक्वल टू, अगेन लॉग का क्वेश्चन आ गया। लॉग की डेफिनेशन मैंने लास्ट क्वेश्चन में अभी लिखी थी, वो क्या थी, ये 8x इसकी इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 18, सिंपल डेफिनेशन यूज़ करें। और ये क्या है, 2 की पावर 3 है, इस साइड में मल्टीपल आ रहा, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 2 की पावर 3 डिनोमिनेटर में आएगा, तो उसको जब नोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो माइनस आ जाएगी, तो 18 माइनस 3 इज 15 जो कि अल्फा ऑप्शन में है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम 45th रूट, एक्चुअली 40 की पावर 1/5 दी गई है। अब बाइनोमियल थ्योरम हम इधर बैठ के यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इसकी एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, तो हम गेस करते हैं क्या होगी। हमें पता है 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, तो 2 तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो निकल गया, इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब देखें 2 अगर 32 है और 3 का क्या है, 3 की पावर 5, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, आपको याद करना 3 3 9 9 27 81 243, देखिए कितनी स्पीड से बढ़ गया 2 और 3 में, कहाँ 32 और कहाँ 243। अच्छा तो मिड में आपको वैल्यू आएगी तो वो भी आपकी 40 के करीब तो नहीं हो सकती, तो ये 2.5 भी नहीं है, तो 2.4 भी उसके करीब है, ये तो अप्रॉक्सीमेटली 2.1 ही होगा जिसका आंसर 45th रूट के इक्वल होगा। नेक्स्ट है जी, अ बॉक्स कंटेन्स 15 रेड 10 ग्रीन एंड 5 येलो टॉफीज, आसिम पिक्स 2 ग्रीन टॉफीज एंड 1 रेड टॉफी आउट ऑफ द बॉक्स एंड ईट्स देम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इरफान विल नाउ पिक अ ग्रीन टॉफी। इसको लिख लेते हैं डाटा को, रेड आर रेड, ग्रीन जी और येलो। रेड कितनी है हमारे पास 15, ग्रीन कितनी है 10 और येलो कितनी है 5। तो प्रोबेबिलिटी जब भी बतानी है, आपको पता है डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल सैंपल स्पेस आती है या टोटल नंबर्स आते हैं। अब इसमें देखें टोटल टॉफीज कितनी है हमारे पास, 15 और 15 30, तो डिनोमिनेटर में तो 30 आएगा, ये तो कंफर्म है। अब ऑप्शन में 30 इधर भी है इधर भी है, तो ये दो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब दोबारा से देखते हैं, आसिम पिक्स 2 ग्रीन एंड 1 रेड कॉफी, 2 ग्रीन पिक कर ली उसने और 1 रेड निकाल दी, 2 3 टॉफीज उसने निकाल ली हैं। जब 3 निकाल ली तो डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 27। अब 3 बाकी जो रह गई, मैं इधर से मैं इधर लिख देता हूँ कि बाकी जब निकालने के बाद कितनी बच गई हैं, कौन सी निकाल रहा है, ग्रीन निकाल रहा है तो ये ग्रीन 8 रह जाएंगी और एक रेड निकाल रहा है तो रेड 14 हो जाएगी और येलो उसने कोई भी पिक नहीं की तो इतना आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, 27, टोटल आपके पास 27 है क्योंकि अब वो निकाल चुके हैं। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इरफान विल, अब इरफान ने पिक करनी है, अब बॉक्स के अंदर कितनी टॉफीज़ हैं, अब टोटल 27, अब टोटल 30 नहीं है, इसका मतलब ये 30 वाली ऑप्शन आपकी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमने कंप्लीट, पहले शुरू में हमने क्या है, टोटल नीचे आता है तो टोटल इसका 30 आ रहा था इसलिए मैंने 30 लिखा,
ठीक है, चूंकि उसने कहा है कि जी वो दो तीन निकालने के बाद की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो बाद में जो ट्रॉफीज बच रही हैं वो कितनी बच रही हैं, 27, तो 27 आएगा। नेक्स्ट, कौन सी ट्रॉफी पिक करनी है उसने, इरफान विल नाउ पिक अ ग्रीन ट्रॉफी, तो ग्रीन ट्रॉफी कितनी है हमारे पास, 8, तो ऊपर पॉसिबिलिटी आती है जितनी मतलब ट्रॉफीज निकलने के चांसेस, 8 के 8 के चांसेस हैं ना, मतलब 8 ग्रीन है, उन्हीं में से कोई एक आधी निकलेगी ना बाहर, तो ये कितने आएगी, 8/27, तो ये प्रोबेबिलिटी का भाव, नीचे टोटल सैंपल स्पेस और ऊपर जो पॉसिबल आउटकम्स जो होती हैं। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ अ सीरीज इज गिवन बाय 2k × 3 की पावर -k, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, 2k/k/3k लिख दें चूँकि पावर नेगेटिव है, और इसको इन सिंपल 2/3 की पावर k कर देते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स इज अप्रॉक्सीमेटली, इसकी फर्स्ट 100 टर्म्स का सम चाहिए, तो एक्चुअली क्वेश्चन ये है, समेशन के 1 to 100 2/3 की पावर k, तो ये सीरीज़ बन जाएगी आपकी, और सीरीज़ भी कौन सी होगी, ये देखें, फर्स्ट टर्म जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 + 2/3² + 2/3³ up to so on, बल्कि लास्ट टर्म, तो 2/3 100 टर्म्स चाहिए, तो लास्ट वाली क्या आएगी, 100 आएगी। क्या फॉर्मूला जी, SN=A×common ratio से डिपेंड, दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक है कॉमन रेशो लेस देन 1 के लिए और एक है कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 के लिए। इस केस में हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो 2/3 है विच इज़ लेस देन 1, क्योंकि ये GP है। कॉमन रेशो कैसे मिलती है, दो कंजेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करने से, तो जब डिवाइड करेंगे तो रेशो 2/3 है, तो 2/3 एक्चुअली क्या होगी, लेस देन 1 आएगी। तो लेस देन 1 के लिए क्या करते हैं, 1 - r की पावर n/1 - r, तो फर्स्ट टर्म इज 2/3, फर्स्ट टर्म इज 2/3, 1 - r, r कितना, 2/3 की पावर, अब कितनी यूज़ करनी है हमें, टर्म्स 100 टर्म्स का सम चाहिए, तो 2/3 की पावर 100 आ जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 - 2/3, 1 - 2/3 इज 1/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, 2 × 1 - 2/3 की पावर 100। अब 2/3 जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, लेस देन 1 की जब पावर 2 करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, पावर 3 करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, तो लेस देन 1 में जैसे जैसे पावर इंक्रीज करते चले जाएंगे उतना नंबर वो छोटा जीरो के करीब होता चला जाएगा, जब पावर 100 करेंगे तो वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म आपकी जीरो को अप्रोच कर जाएगी, तो फाइनली आंसर क्या बच गया, 2 × 1 = 2, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, इसकी इन्फिनिट टर्म्स का सम बताएं, तो इन्फिनिट टर्म्स के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, A/1 - r, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ उसी केस में हम यूज़ कर सकते हैं जब कॉमन रेशो क्या होगी, लेस देन 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट, 25, लेट f(x) इज दिस, तो ये ऑप्शन है, किसी में फैक्टर बताया गया, किसी में रूट है। अब फैक्टर थ्योरम से आपको पता है, अगर फैक्टर में जो पॉइंट होता है उसको जीरो पुट कर रहे हैं, जो पॉइंट मिले उसको अगर इक्वेशन में पुट कर दें और अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो वो फैक्टर बन जाता है, अगर रिमाइंडर नहीं जीरो आएगा तो वो फैक्टर नहीं है। तो इसमें देखें -2, इसको जब जीरो पुट करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 ज़रा इसमें पुट करके देखें क्या आंसर आता है, -2³ कितना आएगा, -8 - 8 = -48, तो ये -4 - -+8 - 1, तो ये ज़ीरो तो नहीं हो रहा कभी भी, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा ट्रू नहीं है, ये वाला ऑप्शन ट्रू नहीं है। इसी तरह -1 भी चेक कर लें, अब -1 ही पुट करना है क्योंकि उसने रूट बताया हुआ, तो -1 ज़रा पुट करें, -1 पुट करने से ये कितना हो जाएगा, -6 - 1 + 4 - 1, तो -1 - 2 - 8 - 8, नहीं ये भी ज़ीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली इसको भी चेक कर लें, इसमें पॉइंट क्या मिलेगा आपको, 1, तो 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 - 1 - 4 - 1, हाँ जी इस केस में देखें जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर है, तो यही आंसर है। तो इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चन को हम बैक सॉल्व कर लेंगे बजाय इसके कि उसके फैक्टर्स बनाने बैठ जाएं। अच्छा नेक्स्ट है जी, इफ़ द सेट S = -1, 0, 1, बाइनरी ऑपरेशन आपको पता दो डिजिट्स में होता है, मोस्टली जो ऑपरेशन हम जिसमें प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं वो एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को हम डिस्कस नहीं करते, डिवीजन एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन में ही आ जाती है और सब्ट्रैक्शन भी एडिशन में आ जाती है। डिवीजन मतलब सपोज आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करने का मतलब आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को फोकस कर रहे होते हैं, तो ये डिवीजन वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं है। एडिशन इज़ नॉट बाइनरी, एडिशन देखें बाइनरी ऑपरेशन, वैसे हमें पता है एडिशन तो बाइनरी होता है, दो नंबर्स को आप ऐड कर सकते हैं, दो नंबर्स में जो ऑपरेशन होता है उसे हम बाइनरी कहते हैं।
एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन, डिवीजन में ये क्लोज नहीं है, वैसे भी जीरो आ रहा है, किसी नंबर जीरो से आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ये तीनों ऑप्शन आपकी देखें रिमूव हो गई हैं। तो एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्लोज का मतलब होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रही है तो सेट को हम कहते हैं क्लोज। तो कैसे चेक करना होता है, आपने कोई से दो एलिमेंट, चाहे एक ही एलिमेंट को टू टाइम्स ले लो, ठीक है, कोई से दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर बाहर सेट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आप इधर से कोई भी दो एलिमेंट पिक कर लो, माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो वन आएगा, इसी सेट में रहेगा। तो आप कोई से दो एलिमेंट लें तो इसका आंसर इसी सेट में ही रहेगा, इसलिए ये सेट क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है जी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 10/3 माइनस आयोटा, वेयर आयोटा इज दिस। फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, फ्रैक्शन में आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं रखते, इसको वो रैशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। तो फिर उसके एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, सिर्फ रियल और इमेजिनरी दोनों का साइन चेंज करना है। कॉन्जुगेट में तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, लेकिन इस केस में हमने दोनों का साइन चेंज करना है। तो देखते हैं 10/3 माइनस आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3+ आयोटा और 3+ आयोटा से, ये कितना हो जाएगा 30+10 आयोटा, और नीचे क्या आएगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, जेड मॉड स्क्वायर होता है, तो 9+1 10, तो 10 से डिवाइड कर दें, 3+ आयोटा ही बच जाएगा ये आपका। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होएगा, -3 - आयोटा, दोनों के साइन चेंज करने हैं, जो कि चार्ली ऑप्शन में है। नेक्स्ट 28, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्स विद अ स्पीड वी, स्पीड आपको दी हुई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 50 sin π t किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इज फ्रॉम एक्स आफ्टर 30 मिनट, टाइम आपको 30 मिनट दिया हुआ है। अब ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम मिनट्स में है, तो यूनिट हमें पहले सेम करने पड़ेंगे, तो इसको मिनट्स की बजाय मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि वो ईजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 30 मिनट्स 1/2 और होते हैं, टी इज इक्वल टू 1/2 और। अब आप सोच रहे होंगे एस इज इक्वल टू वी टी का जो फिजिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो हम यूज़ कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, लेकिन आपको आंसर नहीं मिलेगा, आप चाहे यूज़ करके देख लें एस इक्वल टू वी टी का फॉर्मूला। तो किस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डेफिनेशन जो वेलोसिटी की वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये किसके इक्वल होगा, डी एस ओवर डी टी के, वेलोसिटी डी एस ओवर डी टी होती है साइन ऑफ पाई टी। ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे और उसके बाद इसको आंसर मिल जाएगा। तो सेपरेबल बनेगी 50 sin π t dt, इंटीग्रेट करते हैं, जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे आपको s मिल जाएगा, 50 कांस्टेंट एस डी आएगा, कॉस की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई टी, और पाई टी का गेन वो पाई नीचे आ गया, और एक कांस्टेंट ऐड करते हैं एंड में, सी डिफरेंशियल इक्वेशन जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड किया जाता है। अब ये जो टी इज इक्वल टू 1/2 है, अगर ये हम यूज़ करें, पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, -50/π cos π t + c। अब आप लोग हमेशा सोचते थे कि हम ये इंटीग्रेशन में सी क्यों ऐड करते थे, बस हम टीचर आपको ये कह देते हैं जी बस सी ऐड कर दें, आंसर जो भी है बस सी आप एंड में लिख दें, अभी भूल जाएं इसको। एक्चुअली इसकी बड़ा रोल है इसके पीछे, अब इस क्वेश्चन में इस सी के बगैर आपको आंसर नहीं मिल सकता, मतलब ये सी किस, पहले सी फाइंड करेंगे फिर हमें ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब अननोन किस तरह फाइंड करते हैं, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम विद अ स्पीड एक्स विद अ स्पीड वी, इस एक्स पॉइंट से इस स्पीड पे चलना शुरू हो गई, अब वो कितनी दूर जा रही है, ठीक है, जब बॉडी स्टार्ट में चलेगी तो स्टार्ट में तो टाइम हमारा क्या होता है, हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, तो हम टाइम इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन वो स्टार्टिंग वाली कंडीशन होती है, स्टार्टिंग में बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और डिस्टेंस भी क्या होगा, तो जीरो पुट करें तो ये कितना हो जाएगा, टी को जीरो, -50/π और डिस्प्लेसमेंट भी तो जीरो होगा ना स्टार्ट में, अगर टाइम जीरो है तो वो जीरो वाली पोजीशन से स्टार्ट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा, तो ये प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, -50/π, ठीक है। इसको अब इस इक्वेशन में पुट करें, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूँ मैं, एस इज -50/π cos π t -50/π, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। अब कितने टाइम पे हमें चाहिए था डिस्टेंस उसका, हाफ आवर के बाद, अब t को 1/2 पुट कर दें, तो जब t को आप 1/2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0,
ये फैक्टर ज़ीरो हो गया तो सिंपल आ गया माइनस 50 ओवर पाई। तो डिस्टेंस क्या आएगा, माइनस 50 ओवर पाई किलोमीटर, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये माइनस 50 पाई की बजाय ए ऑप्शन में 50 ओवर पाई आपको दिया गया है, तो वही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द रिड्यूस रो एचिलॉन फॉर्म ऑफ अ लीनियर सिस्टम गिवन बाय, सिस्टम का रिड्यूस रो फॉर्म आपको बना दी गई है, तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको, लास्ट जो 2019 का पेपर, उसमें मैंने आपको बताया था जो सिस्टम के सोल्यूशन होते हैं कभी भी 2, 3, 4, 5 नहीं हो सकते, या तो यूनिक होगा या इन्फिनिट होगा या सोल्यूशन होगा ही नहीं, ये तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर सिस्टम आपका होमोजीनियस है तो फिर दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, आइदर यूनिक और इनफाइनाइट मैनी। तो इसमें हमें ये टू सोल्यूशन की बात नज़र आ रही है, ये तो हमारी ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब देखते हैं इस सिस्टम का सोल्यूशन है क्या, जब इसको सिस्टम में, क्योंकि रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म उसने बना के दी हुई है, इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट एक्स, ये वाई और जेड, ये इक्वल वाला, तो फर्स्ट वाले टर्म में तो एक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी, सेकेंड में क्या आएगा 2y - z = 3, और लास्ट में क्या आएगा 0z = 1, क्योंकि 0x + 0y + 0z = 1। बाकी दो को छोड़ें, क्या ये देखें 0z की मैं कोई वैल्यू पुट करूं और 1 मिल जाए हमें, क्योंकि ऐसा नंबर है नहीं है ना, ऐसा मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हम इधर पुट करें और 1 बन जाए। एक्चुअली ये इक्वेशन किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी, जब ये नहीं करेगी तो इसका सलूशन जो मर्जी लिख लें, जब तक इसका नहीं मिलेगा आपको, सबका सेम सलूशन नहीं मिलेगा तब तक आप आंसर नहीं। इसका मतलब इस केस में हमारा क्या होगा, नो सलूशन, इस सिस्टम का सलूशन पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जेड की वैल्यू अगर 1/0 पुट कर दे तो 0 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 30, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, 2019 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, रैंक की डेफिनेशन मैंने बताई थी, दोबारा लिख देता हूँ। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म, वैसे तो रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में हो सकता है लेकिन एचिलॉन फॉर्म से हमें आइडिया हो जाते, एचिलॉन फॉर्म, और एचिलॉन के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, एचिलॉन फॉर्म, पहले तो इसके हमें क्या बना, एचिलॉन फॉर्म बनानी है, लेकिन इस वक्त ये एचिलॉन फॉर्म में नहीं है। नॉन जीरो रोज इन एचिलॉन फॉर्म, तो इसका क्या एचिलॉन फॉर्म बनाते हैं, 1, 1, 1, 3, तो एचिलॉन फॉर्म के लिए ये सारे जीरोज होने चाहिए, तो फॉर्म यूज़ करते हैं R2 - 2R1, ये वाला ऑपरेशन यूज़ होगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो 0 - 2 - 2 - 6 - -4, और दो रोज आपकी एज इट इज़ आ जाएंगी, 2, 0, 0, 2 and 2 and 2। अब इसके बाद लीडिंग एंट्री आपकी ये आ रही है, इसके नीचे जीरो होने चाहिए, तो इसके जीरो तो बड़ा ही सिंपल है, जस्ट इनको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे 1, 1, 1, 3, 0 - 2 - 2 - 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 2 + 2 - 2, और 4, 2 - 2 - 2, और लास्ट वाली रो हम एज इट इज़ लिख देंगे 0, 0, 2 and 2, ठीक है। अब मैक्सिमम रैंक इसका क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन आप देखें ये वाली रोज़ जो है दोनों मल्टीपल हैं, मतलब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, ऐड करने से दोनों जीरो हो जाएगा, तो ये रो तो सारी जीरो हो जाएगी, तो नॉन जीरो रोज जो बचेंगी 1, 2 और 3, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ये था हमारा 2017 का पेपर, तो